हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शेली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी का टाइम है, बच्चों की शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, साथ ही साथ उसके पेट और शरीर को कूल रखना चाहिए और बच्चों को ऐसा खाना इस टाइम देना चाहिए जिससे उसकी शरीर हाइड्रेट तो रहे और साथ ही साथ उसके शरीर में न्यूट्रिशन भी मिले। समर में आप बच्चों को क्या क्या दे सकते हो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। और क्या क्या हम चीज़ नहीं खिला सकते इस टाइम, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि एक ही वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इस बारे में बात करूँगी कि बच्चों को क्या क्या खाना इस समर में नहीं देना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इंफॉर्मेटिव है इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गर्मी का टाइम है तो बच्चों की शरीर को और पेट को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखना चाहिए, तो इसलिए इस टाइम ना ज़्यादा ऑयली वाला जो खाना होता है, मसालेदार जो खाना होता है जिसमें मतलब बहुत तेल घी ये सब डाल के एक मसालेदार जो खाना होता है, रिच खाना जो होता है, वैसा वाला खाना आप बच्चों को इस टाइम ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है ऐसा वाला खाना बच्चा खाएगा ना तो फिर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ऊपर से क्या होगा उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, पेट में बहुत सारी इशू आ सकती है और साथ ही साथ उसको गैस, एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है, आप इस टाइम बच्चों को ज़्यादा डीप फ्राइड वाला जो खाना होता है या फिर जंक फूड ये सब वाला खाना जितना हो सके आप बच्चों को कम दीजिए, क्योंकि सेम रीज़न है, अगर ये इतना ऑयली वाला डीप फ्राइड वाला खाना, जंक फूड ये सब बच्चा खा लेगा तो इस टाइम ना ये पचा नहीं पाएगा, तो क्या होगा इसमें मतलब फूड पॉइजन की चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है हनी। हनी क्या है, हनी तो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, विंटर सीजन में हनी बहुत अच्छा है। हनी लेने से क्या होता है शरीर में गर्माहट महसूस होती है और इसलिए इस समर सीजन में बच्चों को ज़्यादा हनी बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, आप थोड़ा क्वांटिटी में दे सकते हो बट ज़्यादा और डेली बेसिस पे आप उसको हनी मत दीजिए। नेक्स्ट, इस टाइम आप खाने में हींग अजवाइन की मतलब यूज़ ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है शरीर गर्म हो जाती है और पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस गर्मी के टाइम है ऊपर से शरीर भी इतना गर्म रहेगा तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इस टाइम हींग और अजवाइन की जगह आप खाने में सौंफ यूज़ कर सकते हो या फिर जीरा का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट डे ज़्यादा प्याज लहसुन वाला खाना, हाँ कच्चा प्याज जो होता है ये तो बहुत अच्छा होता है, मतलब लू के टाइम पे ये लेना बहुत अच्छा होता माना जाता है, लू लगने नहीं देता है कच्चा प्याज, पर अगर आप खाने में लहसुन प्याज ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर ये क्या करेगा अपने शरीर में जाकर एक बच्चों को ना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और साथ ही साथ इसको पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारी इसको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इसको हो सकती है। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या है कि सबको पता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, बट विंटर सीजन में आप जितना हो सके बेबी को ड्राई फ्रूट दे सकते हो। गर्मी के टाइम पे क्या होता है ड्राई फ्रूट थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें बॉडी में हीट जनरेट होती है, इस टाइम अगर बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट दोगे ना तो उसके लूज मोशन की चांसेस भी हो सकती है। आप बच्चों को ड्राई फ्रूट देना चाहते हो तो फिर काम कर सकते हो, रात में भिगो के आप उसका जो बदाम होता है उसकी छिलके निकाल के फिर आप बच्चों को दे सकते हो, बट ज़्यादा क्वान्टिटी में इस टाइम बिल्कुल मत दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऑल्टरनेट डे करके ऐसे करके आप बच्चों को दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इस टाइम गर्मी का टाइम है, बच्चे पसीना पसीना हो जाता है, तो जब भी वो खेल कूद करके घर आता है या फिर पसीना पसीना हो जाता है तो मन करता है कि उसको थोड़ा सा टैंग, ग्लूकंडी या फिर रसना हो, रूह अफ़ज़ा हो ये सब उसको दे दे, ये बहुत इजी होता है बनाना भी, मतलब बहुत इजी है, बट इसमें क्या है एडिड कलर है, शुगर है और बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, तो हो सके तो ये सब जो है ये आप बच्चों को मत दीजिए, इसकी जगह आप बच्चों को हो सके तो आम पन्ना दे सकते हैं, लस्सी, छाछ, नींबू पानी ये सब देने की कोशिश कीजिए। आई नो कि बच्चे नहीं मानेंगे बट आप ट्राई तो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, मतलब इस गर्मी की टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड करता है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की, तो आप दे सकते हो बट ज़्यादा मत इस टाइम दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स दोनों से गला ख़राब होने की चांसेस भी रहती है गर्मी में, और क्या होता है इसमें सेम रीज़न है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें हाई
कैलोरी होती है, शुगर कंटेंट होती है और प्रिजर्वेटिव भी रहती है, एडिड फ्लेवर भी होते हैं, तो ये सब भी बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ज़्यादा ये सब लेने से क्या होता है, बॉडी में मतलब शुगर क्वांटिटी इतनी हाई हो जाती है, फिर बच्चों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों में ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आगे चलकर ये मोटापा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो फिर ये मतलब जितना भी बच्चों से दूर रखोगे वो बेटर है। इस के बदले में चाहो तो अब घर का बना हुआ जूस दे सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस है अब, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, फिर तरबूज का जूस भी आप दे सकते हो बच्चे को, बेल का शरबत है, और बच्चों को घर का बना हुआ पॉप्सिकल भी दे सकते हो, फ्रूट से बना हुआ जो होता है, मतलब चाहो तो इसमें आप वाटरमेलन का यूज़ कर सकते हो, मैंगो होता है, बहुत सारे फ्लेवर में आप इसको कस्टमाइज करके बना सकते हो। फिर घर का बना हुआ आइसक्रीम भी हो सकता है, वो भी आप बच्चों को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल मत देना, बच्चा है तो फिर ये सब उसको पसंद भी आएगा और घर का बना हुआ होगा तो फिर उसको न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसको मिलेगी, तो साथ ही साथ उसका जो शरीर है वो भी ठंडा भी रहेगा। तो गर्मी का मौसम है, बच्चों को देना भी चाहिए, उसको भी तो इंजॉय करना है। नेक्स्ट है, अगर आप नॉनवेज खाते हो, मतलब चिकन हो, मटन हो, ये सब अगर खाते हो, ये सब थोड़ी सी ना गर्म होती है, रिच होती है, प्रोटीन होती है इसमें ज़्यादा, तो ये सब खाना मतलब शरीर में जाने के बाद ना इस टाइम बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकती है। तो फिर ये सब मतलब नॉनवेज जो होता है, चिकन मटन, ये सब आप ट्राई करो कि वीकली एक या दो बार बच्चों को देने। नेक्स्ट है एग, एग भी एक नॉनवेज आइटम है। आप जहाँ विंटर में मैं दिवांश को डेली एग देती थी, अब समर में क्या करती हूँ, वीकली दो या तीन ही अंडा मैं दिवांश को देती हूँ। क्या होता है, इसमें भी हाई प्रोटीन है, हजम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको, तो क्या होता है ये लेने के बाद थोड़ा सा हेवी भी फील हो जाता है, कभी कभी क्या हो सकता है इसमें मतलब लूज मोशन और वॉमिटिंग की चांसेस भी रहती है। तो फिर इसलिए क्या करती हूँ, गर्मी के सीजन में ना ज़्यादा एक भी नहीं देना चाहिए, वीकली एक या दो आप बच्चों को दीजिए। तो ये सब जो फूड आइटम है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने भी ये सब बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगने पर इसको एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।